हमारा भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का आधार है। भारतवर्ष के अंदर अनेक इस प्रकार के पर्व आते हैं जिन पर्वों के द्वारा हम मनुष्य जीवन से संबंधित विषय को जानते हैं, प्रकृति के विषय में हम जानते हैं, ऋतुओं के अनुकूल हम अपने जीवन का यापन करते हैं। उसी सिलसिला में जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, प्रायः हिंदू समाज जिसको सरस्वती पूजा के नाम से भी जानता है, यह पर्व जहाँ पर हिंदू धर्मावलंबी लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वह लोग अधिक मात्रा में इस पर्व को मनाते हैं। बसंत पंचमी एक प्राकृतिक पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। लेकिन इस पर्व के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें जानना परम आवश्यक है। यह पर्व माघ शुक्ल पक्ष के हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि अर्थात पांचवें दिन बसंत पंचमी के रूप में इसको मनाया जाता है। हिंदू पर्व के अंदर या तो हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार भारतवर्ष के अंदर छह ऋतुएं आती है। उसमें अलग अलग मौसम है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है। इस प्रकार से अनेक सारे कार्य यहाँ पर हमारे देश के अंदर होते हैं, तो उसके अनुकूल यहाँ पर ऋतुओं का प्रभाव भी पड़ता है। इस कारण से यहाँ पर पर्वों का अधिक महत्व है। इस कारण से इस मौसम में क्या होता है इसको हमें समझना होगा, क्योंकि जो बसंत ऋतु है इसको ऋतुराज के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय फूलों में बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो सोने के समान चमकने लगता है। इस समय कृषक लोग जो गेहूं की खेती करते हैं, इस ऋतु में गेहूं की बालियां खिलने लगती है और आमों के पेड़ पर बोर आ जाता है और प्रकृति के चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। इसलिए इस ऋतु को बसंत ऋतु कहा जाता है। और सारा समाज जिस बसंत ऋतु के अवसर पर सरस्वती पूजा करता है, वैदिक पक्ष में देखा जाए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें देखा जाए, तो यह जो पक्ष होता है यह स्वाध्याय का पक्ष होता है, क्योंकि इस समय अधिक सर्दी होने के कारण से धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाती है। इस समय मानव एक स्थान पर बैठ करके एकाग्र चिंतन करे, एकाग्र होकर के परमात्मा का चिंतन करे, स्वाध्याय करे, मनन करे, आत्मनिरीक्षण करे, इसलिए इस पर्व का महत्व है। और इस समय विद्यालयों के अंदर सरस्वती वंदना की जाती है, जिसमें माँ सरस्वती से प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, हमें ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, विवेक दीजिए, हम जो भी विद्या पढ़ते हैं वो हमारे अंदर वह विद्या आ जाए, इस प्रकार से सरस्वती के सामने प्रार्थना की जाती है। लेकिन सरस्वती शब्द का क्या अर्थ होगा हमें यह भी समझना होगा। इस कारण से वैदिक परिभाषा में हम देखेंगे तो सर्व विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितो सा सरस्वती। यह सरस्वती शब्द से परमात्मा को ही लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा
जो शब्द है वह तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जो परमात्मा है वह स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्द में भी प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में भी परमात्मा शब्द का प्रयोग होता है। इस कारण से यहाँ पर स्त्रीलिंग में परमात्मा को ही सरस्वती नाम से कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदादि शास्त्रों के अंदर इसी रूप में वर्णन किया गया है। इसका अर्थ होगा जिसमें अखंड रूप से विज्ञान विद्यमान है, जिसके अंदर विज्ञान विद्यमान है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है, इसलिए उस परमात्मा को सरस्वती नाम से कहा गया है। जिसमें विविध विज्ञान, विज्ञान का तात्पर्य होता है ज्ञान विज्ञान, जो मार्फत की अवस्था होती है उसको विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ और संबंध, कोई भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या तो किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं उसमें शब्द अर्थ और संबंध साथ में रहता है। इस कारण से जिस ज्ञान के द्वारा हमें, जिसके अंदर शब्द अर्थ और संबंध का प्रयोग करके जिसका ज्ञान तीनों कालों में यथावत एक जैसा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से परमात्मा को सरस्वती शब्द से कहा गया है। जो ऋग्वेद है मंडल 10 है, सूक्त 17 है, मंत्र संख्या 4 में, वहां पर छंद का नाम है गायत्री और उसके अंदर जो मंत्र आया है वहां पर परब्रह्म को ही सरस्वती नाम से कहा गया है। किसलिए कहा गया है? क्योंकि परमात्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, दिव्य ज्ञान होने के कारण से मनुष्य भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, पर इसलिए उस व्यक्ति को अखंड ज्ञान का भंडार कौन है? परमात्मा है। क्योंकि यहाँ पर सरस्वती शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है, इस कारण से ज्ञान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए लोग परमात्मा की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, ऐसे तो ये सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, हम किसी भी क्षण, किसी भी समय पर, किसी भी बार, किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस कारण से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले परमात्मा को याद किया जाता है। इस कारण से वह कार्य सफल हो, इस भावना से हम कार्य करते हैं। इस कारण से परमात्मा से प्रार्थना करने से और उसके अनुरूप यदि हम पुरुषार्थ भी करते हैं तो परब्रह्म की कृपा से हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस कारण से ईश्वर, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परब्रह्म भी कहा जाता है, उसके अंदर विज्ञान का गुण होने से उसको सरस्वती कहा जाता है। इस कारण से हमें उनका ध्यान करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। यह कार्य केवल बसंत ऋतु के अवसर पर, सरस्वती पूजन के अवसर पर न करके हमें इस कार्य को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन आत्मा के अंदर परमात्मा के स्वरूप का हमें अंदर विराजमान करना चाहिए। और चारों वेदों को यदि हम देखें तो उसके अंदर सरस्वती सूक्त आया हुआ है, ऐसा वेदों के अंदर वर्णन किया गया है। क्योंकि जैसे गायत्री छंद है उसी प्रकार से सरस्वती छंद भी है, हो सकते हैं, तो उसके द्वारा वहां पर परब्रह्म के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें अनंत ज्ञान है। इस कारण से परमात्मा को सरस्वती नाम से कहा गया है। यहाँ पर कोई चार हाथ वाली जो हंस के ऊपर विराजमान है, जिसका आसन कमल का पुष्प है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो आत्मा का आधार है, उसी को सरस्वती मानना चाहिए। और वेदों के अंदर जो सरस्वती शब्द है, चार अर्थों में उसका प्रयोग हुआ है। पहला प्रयोग हुआ है विद्या के रूप में, और विद्या वाणी और विज्ञान दाता परमात्मा के रूप में यह शब्द प्रयोग हुआ है। और दूसरा है जैसे विदुषी है, ज्ञानवती है, जो नारी होती है, उसके लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। और तीसरा जो है सरस्वती, जो नदी है, उसके लिए। और चौथा है वाणी के रूप में, जो हम
वाणी के रूप में जो अपना वचन प्रयोग करते हैं उस रूप में सरस्वती शब्द का प्रयोग हुआ है। और सरस्वती शब्द का मुख्य प्रयोग वेदों के अंदर पवित्र करने वाली ऐसा कहा गया, मतलब परमात्मा का जो ज्ञान होता है सभी प्राणियों को पवित्र करने वाला है, इस कारण से परमात्मा का नाम सरस्वती है ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि निघंटु के अंदर जो व्याकरण शास्त्र है उसमें एक निघंटु शब्द है जिसमें एक एक शब्दों के एक एक सौ शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है, सौ सौ अर्थ उसके निकलते हैं। तो उस निघंटु के अंदर वाणी के 57 नाम बताए गए हैं, उसमें एक वाणी का नाम है सरस्वती, अर्थात जिसका अर्थ होता है वेद वाणी। वेद भी एक वाणी है। सृष्टि के अंदर सबसे पहले चार ऋषियों के अंदर चार वेदों का प्रकटन हुआ था, क्योंकि वेद के द्वारा ही मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म सत्य असत्य का ज्ञान होता है। इस कारण से ये जो वेद जो ग्रंथ है वो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए उसके जो व्याख्यान ग्रंथ हुए हैं शतपथ ब्राह्मण उसके अंदर वाक सरस्वती अर्थात वाणी को सरस्वती के रूप में कहा गया है। जीवा सरस्वती जो हम शुद्ध उच्चारण करते हैं या तो सत्य वचन बोलते हैं, इस कारण से यह वाणी को भी सरस्वती नाम से कहा गया है। और सरस्वती पुष्टि ही पुष्टि पत्नी तैतृय उपनिषद के अंदर कहा गया है, सरस्वती कैसी है, पुष्टि देने वाली है और पुष्टि को बढ़ाने वाली है। पुष्टि कैसे बढ़ाएगी, अतः हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इससे हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ता है, इसके द्वारा हमारी पुष्टि होती है। भोजन से हमारा शरीर का बल बढ़ता है लेकिन आत्मा का बल नहीं बढ़ता है, आत्मा का बल तो केवल ध्यान से बढ़ता है। इस कारण से महाभारत के वन पर्व के अंदर एक संवाद आता है जिसमें सरस्वती कहती है कि मैं परापर विद्या रूपी सरस्वती हूं। इसका भाव क्या होगा, आंतरिक भावों और श्रद्धा से मेरी स्थिति है, जो श्रद्धा से विद्या ग्रहण करेगा उसी के अंदर विद्या आ सकती है, इसका भाव यह निकलता है। और सरस्वती आगे कहती है, जहाँ पर श्रद्धा और निर्मलता हो और पवित्रता हो मैं वहाँ पर प्रकट होती हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ कोई देवी का वर्णन नहीं है, यह सरस्वती के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जिसको विद्या ग्रहण करना हो, जिसको ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना हो, उसके अंदर निर्मलता और पवित्रता होना परम आवश्यक है, यह बात यहाँ से हमें मिलती है। इस कारण से ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है, पावका नह सरस्वती बाजे भीर वाजिनी वती यज्ञम वष्टुः धिया वसुः। इसके अंदर कहा गया है कि हे परमात्मा हमें अब ब्रह्म विद्या प्रदान करिए। ब्रह्म विद्या का तात्पर्य क्या है, जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जाए, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को जाना जाए उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। इसका अर्थ संक्षिप्त में हम लेंगे तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि संपूर्ण प्राणी मात्र को चाहिए, संपूर्ण मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना करे और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या को और सत्य वचन युक्त कर्म में कुशल और सबके उपकार करने वाली जो वाणी है, जो ब्रह्म विद्या रूपी जो वाणी है उसको प्राप्त करके अपना भी कल्याण करे और संसार का भी कल्याण करे, यह इस मंत्र का भाव है। और ऋग्वेद के अंदर दूसरा मंत्र भी आता है जिसके अंदर कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती बाजे भीर वाजिनी वती धीना मवित त्रेवतु। इसका भाव क्या है, जो परब्रह्म है वो परम चेतना का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा चेतन है इस कारण से उसको चेतना का स्वरूप कहा गया है। वो अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत विद्या से युक्त है और सरस्वती के रूप में परमात्मा हमारे लिए क्या करे, हमारी बुद्धि को, हमारी प्रज्ञा को, जो हमारी मनोवृत्ति है,
उसकी परमात्मा संरक्षिका है। हम में जो आचार और जो मेधा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आधार सरस्वती है, मतलब परमात्मा ही है। परमात्मा की कृपा से ही ये संपूर्ण कार्य होता है। इस कारण से परमात्मा का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। इस कारण से ये वसंत ऋतु के अवसर पर यह सुनहरा अवसर है हमारे लिए, विद्या अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए। यह अवसर को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति के अंदर प्रकृति का जो कण होता है वो खिलने लगता है। मानव या पशु सबके अंदर आनंद शुरू हो जाता है, सभी आनंदित हो जाते हैं और सभी का जो जनजीवन होता है वो खुशियों से परिपूर्ण होता है। इस कारण से जो शिक्षाविद होते हैं, जो भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है, जो भारतीय संस्कृति में जो पले हुए हैं, उनको कभी भी अपनी संस्कृति से अलग नहीं हटना चाहिए। उनको अपनी संस्कृति से हमेशा प्रेम करना चाहिए। ये भी हमें इस ऋतु के अवसर पर हमें शिक्षा मिलती है। और आगे कहा गया है कि जिस प्रकार से जो बसंत ऋतु है उसके अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, ये बसंत ऋतु मनाने का उद्देश्य क्या है। मनुष्य क्या सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, इस रूप में मनुष्य अपने आप को मानता है। लेकिन यथार्थ सत्य क्या है? जब हम अपने आप को शरीर भाव से परे देखेंगे, न मैं पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, जब इस रूप में अपने आप को मानता है, जो ज्ञान से युक्त होकर के, बुद्धि से युक्त होकर के, जो अपने आप को आत्म रूप में देखता है, तो वही व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, विद्या का प्रकाश होता है। इस कारण से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परब्रह्म, आप मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं सदा अपने आप को आत्मा मानता रहूं, कभी भी शरीर भाव में न माने। जब शरीर भाव में मांगते हैं तो शरीर के अंदर अनेक सारे विकार उत्पन्न होते हैं। जब आत्मभाव में स्वयं को देखेंगे तो उस समय कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस समय प्रकृति को देख करके हम आनंदित हो जाते हैं, उस समय जब हम अपने आप को आत्म रूप में मानेंगे, अपने अंदर परमात्मा के स्वरूप को मानेंगे कि मेरे हृदय के अंदर परमात्मा का वास है, उस समय कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। जब विकारों से व्यक्ति रहित होता है, उसके अंदर ही ज्ञान का प्रकाश होता है। इस कारण से यहाँ पर जो सरस्वती देवी की जो कल्पना की गई है चार भुजा वाली, उसकी चार विशेषताएं हैं। एक विशेषता है स्वच्छता, दूसरी विशेषता है स्वाध्याय, तीसरी विशेषता है सादगी और चौथी विशेषता है श्रेष्ठता। जो इसको अपने जीवन में धारण करता है उसी के अंदर सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। क्योंकि हमें शरीर और मन को स्वच्छ रखना परम आवश्यक है, तभी जाकर के ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो सकता है। जब तक शरीर स्वच्छ नहीं होगा तब मन भी कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी की वाणी भी कहती है, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर। यदि हम बाहर तो नहाते रहेंगे लेकिन अपने दिल को पवित्र नहीं करेंगे तो उस दिल के अंदर कभी भी परमात्मा का वास नहीं हो सकता है। इस कारण से विद्या को प्राप्त करने के लिए भी काम क्रोध आदि विकारों से रहित होना पड़ेगा, अपने आप को निर्मल करना पड़ेगा। और दूसरी विशेषता है जो सरस्वती देवी है उनका जो आसन है, उनका जो आसन है वो कमल का पुष्प बताया गया है। जैसे कमल का जो पुष्प होता है कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलग होता है, तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, काम क्रोध आदि विकारों से रहित होकर के अपने आप को सांसारिक भाव से ऊपर देखना होगा। इस कारण से हम किसी भी स्थिति पर इस कीचड़ में न फंसे, हमारा मन संसार में न लगे, केवल परमात्मा के चरणों में लगे, इस भाव को दर्शाने के लिए यहाँ पर आसन के रूप में कमल का जो पुष्प है उसको दर्शाया गया है। और उनका जो वाहन है हंस है, उनकी सवारी, जैसे आजकल गाड़ियों में यात्रा करते हैं, बाइक में यात्रा करते हैं, उसी प्रकार सरस्वती देवी का जो वाहन हंस क्यों है? जैसे हंस सफेद रंग का होता है तो उसी प्रकार से हमें भी अपने दिल को स्वच्छ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। हंस की विशेषता क्या रहती है कि वह पानी और दूध को
अलग अलग हंस कर सकता है। उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि दूध और पानी दोनों मिलाकर के उसके सामने रख दिया जाए, वह हंस दूध दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से संसार में सत्य भी है, असत्य भी है, छल भी है, कपट भी है, अन्याय भी है, सब कुछ है। तो हमें इन सबसे परे होकर के केवल सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए। ये जो है हंस के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। और आगे कहा गया है कि जिस प्रकार वो दूध को ग्रहण करते हैं, मतलब हमें ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना चाहिए, जो माया का जो अंधकार है उसको कभी अपने दिल के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए, दिल में केवल परमात्मा के लिए स्थान बनाना चाहिए। ये इसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। इस कारण से बसंत ऋतु जिस प्रकार से सुंदर और सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी क्या करना चाहिए, सुंदर और स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। जिस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि जो सरस्वती देवी जो है उनका जो वस्त्र है वो सफेद है। इसका क्या रहस्य है? जो सफेद वस्त्र होता है वो सतोगुणी का प्रभाव पड़ता है उसमें। सतोगुणी वस्त्र जो है, सफेद वस्त्र जो है वो सतोगुण का प्रतीक होने के कारण से देवी को जो है सफेद साड़ी पहनाई गई है। इसी कारण से जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, उनको संसारिक जो फैशन है उससे हट करके केवल अपने मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा, अपनी वेशभूषा को भी शुद्ध पवित्र रखना पड़ेगा। इस कारण से जैसे सरस्वती देवी की वेशभूषा है, उसी प्रकार से हम जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जब तक हम अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं हो, तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें फैशन से रहित होना चाहिए, उससे युक्त नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा हमें इसके द्वारा मिलती है। इसके द्वारा यहाँ पर जैसे बसंत ऋतु में जो कोयल होती है, जो पक्षियाँ होती है, वो क्या करती है, पेड़ों के ऊपर आकर के मधुर ध्वन में आवाज निकालती है। इसका कारण क्या है, बसंत ऋतु में ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि वो अपना संगीत सुना करके दूसरे के मन को क्या करना चाहती है, बहलाती है, ताकि लोग मेरी आवाज को सुने। उसी प्रकार जो हमारा भारत देश है, जो भारतीय संस्कृति है, ये संगीत प्रिय देश रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल में सामवेद का गायन किया जाता था, और सामवेद का गायन करने से बारिश हुआ करती थी, बारिश रुक जाती थी। सामवेद के गायन के द्वारा दीपक जलाया जाता था। ऐसी संस्कृति रही हमारे देश के अंदर। इस कारण संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण से संगीत के अंदर एक बसंत राग भी है, जो बसंत ऋतु के नाम से पड़ा हुआ है। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, इस ऋतु पर ऋतु के अनुकूल खान पान करना चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, और हम शुद्ध वेशभूषा को धारण करें, भारतीय वेशभूषा को धारण करें, जिसमें कोई फैशन न हो, सादगी से युक्त ऐसे वेशभूषा को संपूर्ण प्राणी मात्र को धारण करना चाहिए। क्योंकि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान नहीं होती, ज्ञान विद्या तप तपस्या आचरण से मनुष्य की पहचान होती है। इस कारण से हमें सादगी से युक्त रहना चाहिए। और हमने देखा होगा कि माता सरस्वती के हाथ में एक वेद का पुस्तक है, मतलब हमारे जीवन में चारों वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो संसारिक धरातल पर होता है। जब हम वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, तो उससे मनुष्य का ज्ञान क्या होता है, वो संसार से परे होकर के आध्यात्म रूपी वातावरण में आगे बढ़ने लगता है। इस कारण से यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना की गई, हे परमात्मा हमें क्या करें, हमारे सद्बुद्धि को धारण कराइए। और हमें क्या करना चाहिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान भी होता है, हमें अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि उपनिषदों के अंदर भी कहा गया है कि स्वाध्याय मा प्रमाद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। लौकिक
ग्रंथों की स्वाध्याय करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए आध्यात्मिक ग्रंथों की हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, जिसमें आत्मा परमात्मा का वर्णन हो। वेद आदि शास्त्र है, जैसे श्री प्रणा जी की तारतम वाणी है, इसमें आत्मा परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा के धाम स्वरूप का वर्णन है। इसका हम स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारी आत्म जागृति अवश्य होगी। और एक हाथ में उन्होंने दो भुजाएं है, उसमें एक हाथ में वीणा पकड़ के रखी हुई है। वीणा एक जीवन का प्रतीक है। जैसे वीणा के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, जैसे वीणा से अनेक स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे अनेक सारे स्वर निकलते हैं। कभी हमारे मन के अंदर कुछ विचार आ जाते हैं, कभी कुछ विचार आ जाते हैं, हमें उन विकारों से रहित होना चाहिए। मतलब एक सात्विक वातावरण में हमें रहना चाहिए, विभिन्न विचारधारा हमारे मन के अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सतोगुण से युक्त जो विचारधाराएं हैं वही हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, कि इसके द्वारा हमें यहाँ पर ज्ञान मिलता है। इस कारण से स्वाध्याय इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और आगे सरस्वती के हाथ में जो लिखा गया है कि सेवा, तीसरी भुजा के द्वारा सेवा, मतलब हमें प्रतिदिन सेवा भी करनी चाहिए, गरीब दुखी की सेवा करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ये उसका प्रतीक है। और चौथी भुजा का ये है कि हमें सादगी से रहना चाहिए। आज का जो वातावरण है, छोटे से लेकर के बड़े तक क्या करते हैं, अंधाधुंध फैशन में पड़े रहते हैं, फैशन में अपने आप को डालते हैं, उससे क्या होता है, मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। इस कारण से सतगुण से युक्त रहना चाहिए, अपनी संस्कृति के अनुकूल वेशभूषा को हमें धारण करना चाहिए। इस कारण से ऐसे कोई वस्त्र ऐसे हम धारण न करें जिसके द्वारा किसी को दुख लगे, किसी का मन खिन्न हो, ऐसे वेशभूषा को हमें धारण नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किया, 16 बार उसको हार की सामना करनी पड़ी, 17वीं बार युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और वह उनको बंदी बना करके अफगानिस्तान लेकर के जाता है और उनको मृत्यु की सजा सुनाता है। मृत्यु देने से पहले वह उनसे तीरंदाजी सीखना चाहता है या तो देखना चाहता है। ऐसी कहावत है कि पृथ्वीराज चौहान आँख में पट्टी बांध के भी शब्दों को सुन करके सीधी तीर चलाते थे, इस कारण से यह उनकी प्रसिद्धि थी। उनको मारने से पहले वह देखना चाहता था। तो उनका एक मित्र है कवि चंद वरदाई, उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज सिंह चौहान को कहा, जिसके विषय में लिखा गया है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इसको सुनकर के उन्होंने तीर चलाई, वह तीर जाकर के गोरे के सीने पर लग जाती है, उसी समय उसका देहांत हो जाता है। इस कारण से उसके पश्चात पृथ्वीराज सिंह चौहान ने स्वयं अपने पेट पर छुरा घोंप करके आत्म बलिदान दिया। यह घटना भी आज के समय पर ही हुआ था, 1152 ईस्वी में यह घटना भारतवर्ष के अंदर घटी थी।